हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वेकेशन के लिए, ये बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वेकेशन के लिए जाओ तो यार मस्ती मजाक धमाल तो होना ही चाहिए। तो बस अभी जा रहे हैं, हम दोनों निकल चुके हैं, रूट काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो ये देखो, वैसे तो मैं बैक कैमरा से भी शूट करी, वो आप लोगों को भी दिखाते हुए चलूंगी। और यहाँ पे हमने लोकेशन का भी डाल दिया हुआ है, तो वैसे तो हम कहीं पे भी जाते ना हम मैप के थ्रू ही पहुंच जाते हैं, लोकेशन है ही हमारी हेल्प के लिए, तो फिर क्यों ना उस चीज का फायदा उठाया जाए। और बस रास्ते में इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बस फ्रूट्स वगैरह लेकर, मैं बहुत सारे वेफर्स वगैरह, आप लोगों को पता है ना कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो सारी चीजें लेकर जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में मुझे खाना भी अच्छा लगता है और मेरे पतिदेव को भी ना भूख थोड़ी थोड़ी देर में लगती रहती, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ डोज देते रहना चाहिए उनको। तो बस ये सारी चीजें खाते पीते हम लोग जा रहे हैं और बस मजे आ रहे हैं। ये लो, तो बस अभी हम लोग पहुंच जाएंगे, अभी हम लोगों को, हाँ टोटल हम लोगों को 5 घंटे लगने वाले थे हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, बट अभी मतलब अभी 4 घंटे लग जाएंगे, अभी 3-4 घंटे और है, अभी 1 घंटे का सफर जो था वो हमारा क्लियर हो चुका है और बहुत मजा नाइट 3 डे के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो फुल ऑन मस्ती होने वाली, धमाल होने वाला है, आप लोगों को ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है। बस चलो मैं भी अभी अपना ऑरेंज खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से निकले थे ना तो फटाफट से सामान वगैरह तो रात में पैक कर लिया था हम लोगों ने, बस ये था कि जो खाना पीने का चीजें थी ना बस वो पैक करनी थी, तो मैंने वो भी पैक कर ली हुई है। तो चलो अभी हम लोग खाते पीते हैं, रास्ता एंजॉय करते हैं और कुछ अच्छा रहता तो आपको भी दिखाते चलते हैं। पेट्रोल डला लेते हैं, तब डुग्गी को भी तो पेट्रोल की जरूरत है ना, इसको भी तो भूख लगेगी, पहले इसका पेट फुल होगा तभी तो ये हमें मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। वैसे था इसमें बट आगे का हमको रूट नहीं पता ना कि आगे पेट्रोल पंप आएंगे, वैसे तो आते रहते थोड़ी थोड़ी देर में, बट फिर भी हमने एक सेफो साइट ये कर लिया हुआ है। तो बस अभी हमारा जो पेट्रोल है वो भी डल गया है, ये देखो बस अभी पेट्रोल डला लेते हैं और फिर चलते हैं। ये पेट्रोल टैंक फुल हो चुका है और हमारी सवारी फिर से निकल चुकी है रोड ट्रिप के लिए। रोड ट्रिप करना किस किस को अच्छा लगता है, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हम लोग कहीं पे भी जाते ना हम लोगों का ऑटोमेटिक ना जो रूट होता है ना वो लॉन्ग हो जाता है, तो हमारा रोड ट्रिप वैसे ही हो जाता है। और हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना तो मतलब हमारी गाड़ी में खूब सारे वेफर मिल जाते हैं खाने को, खाने पीने जो घर से मैं बना के लेके जाती हूँ, खाना वगैरह नमकीन वगैरह वो सब कुछ अलग रहता है, बाहर से ना मैं इतनी सारी चीज़ें भी चटर वटर से खरीद लेती हूँ कि पूरे रास्ते में ना हम लोगों का मुँह चलता ही रहता, बंद ही नहीं होता। और ये सारी चीज़ें ना मतलब हम मायके से मैंने सीखी हुई हैं, क्योंकि मम्मी लोगों को पापा लोगों के साथ जाते थे ना तो पापा भी खूब सारी चीज़ें ऐसे रख लेते थे खाने पीने के, रास्ते में खाएंगे फ्रूट्स वगैरह, मम्मी खाना बना लेती थी, तो हम लोगों की ना आदत यही है जब भी हम लोग रोड ट्रिप करते ना तो मतलब खाना पीना ही होता है हम लोगों को, रोड ट्रिप मतलब हमारा खाना पीना ही होता। तो मैंने ना ये सारी चीज़ें मम्मी से ही सीखी हुई है कि जब भी कहीं जाओ ना तो खूब सारा बना के लेकर जाओ गाड़ी में, खूब सारा खाते पीते रहो, सबको खिलाते पिलाते रहो, इन्जॉय करो, कभी कभी रोड ट्रिप करने का मौका मिलता है तो उसे फुल ऑन इन्जॉय करना चाहिए। तो मैंने खूब सारे वेफर खरीदे, सब सारे वेफर ना दो दो पैकेट बने खरीद, कोई तब 10 रुपये का था तो मैंने उसको 2 खरीदे, 5 रुपये का तो 4 खरीदे, तो कुछ इस तरह से मैंने सारे के सारे वेफर भी ले लिए और हमारे रोड ट्रिप को हम लोग इन्जॉय करें। आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताना। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं हमारी मेन डेस्टिनेशन, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बड़े बड़े बैनर सारे ना उस पर लिखा हुआ रहा है, तो वो पढ़ना आप लोग कि हम लोग कहाँ पर आए हुए हैं, तब मज़ा आएगा। मैं बताऊँगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बट जितना देखकर मजा आएगा। मैं जब भी कुछ बोलने वाली होती हूँ ऑटो वाला आएगा, रिक्शा वाला आएगा, या अभी क्या गया ये ट्रैक्टर वाले भैया आ गए, बताओ मतलब मेरा बोलने का टाइम हुआ और उनका आने का हुआ। बट ठीक है, ये देखो लोकेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी ग्रीनरी सा व्यू है। तो अभी हम लोग सतपुड़ा के घने जंगलों से होते हुए जा रहे हैं, बीच में देखो हमारी गाड़ी चल रही, दोनों साइड घने घने जंगल थे, बड़े बड़े से पेड़ थे, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि एकदम से कहीं जानवर ना आ जाए, क्योंकि सतपुड़ा का जंगल कितना घना है। और ये देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पचमढ़ी घूमने के लिए, काफ़ी दिन से हम लोगों ने वेकेशन पर गए नहीं थे तो सोचा कि चलो यार अभी चलते हैं, थोड़ा सा कुछ प्लान करते हैं, वैसे भी हमारी एनिवर्सरी आने वाली है तो उसके लिए तो हमें बाहर जाना ही था। तो बस यहाँ से अभी
पचमढ़ी जो है वो 28 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग सतपुरा रिट्रीट को पूरा फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा जंगल है और दूर दूर तक मतलब रोड के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ आती जाती गाड़ियाँ दिख रही, इसके अलावा कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ये रूट में मज़ा भी आ रहा था। तो ये देखो मेरी मस्ती भी यहाँ पर चल रही है और मैं इस रूट को फुल ऑन इंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस रूट पर। वैसे भी मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही है। तो बस इस ग्रीनरी के साथ मैं अपना फुल ऑन इंजॉय कर रही हूँ। वैसे बरसात के मौसम में शायद और ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती, बट अभी भी देखने को बहुत ज़्यादा मिली है, तो मैं फुल ऑन इंजॉय के मूड में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इंजॉय ये कीजिए। लोकेशन देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, इतने बड़े बड़े से पेड़ है और ये देखो नीचे की तरफ ना खूब बड़ी सी खाई है। मुझे इस लोकेशन का नाम नहीं पता कि क्या नाम है, क्योंकि इसका नाम ना कहीं पे आया ही नहीं था बोर्ड की, मैं पढ़ के बताऊं कि क्या था। और काफ़ी देर से हम लोग बैठे थे ना, हम लोगों ने घर से जब लोकेशन ऑन की थी तो हमको 5 घंटे दिखा रहे थे, बट हम लोगों ने ट्रैवल किया था तो हमको लगा ही नहीं कि हमने 5 घंटे ट्रैवल कर लिया। ऐसा लगता हमने 1 घंटा या 2 घंटा ही लगा हुआ, और हम फटाफट से पहुँच गए हमारे लोकेशन पर। ये तो बस कुछ इस तरह का लोकेशन है। बस अभी थोड़ी देर यहाँ पे वॉक वॉक कर लेते हैं, क्योंकि बैठे बैठे थक भी गए ना, काफ़ी देर हो गई है, और थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। देखो ब्यूटीफुल सा व्यू ग्रीनरी के साथ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। आप लोग को कैसा लग रहा है कॉमेंट करके आप लोग बताना। सतपुड़ा का घना जंगल हम लोगों ने क्रॉस कर दिया और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पचमढ़ी। ऊपर लिखा तो बोर्ड के ऊपर मुस्कुराइए आप पचमढ़ी में। तो बस यहाँ पर टोल भी हम लोगों ने क्रॉस कर दिया और अभी हम लोग मेन कैंट एरिया में आ चुके हैं और अभी हम लोग होटल जाने अब वाले हम हैं। ना यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए उतर गए हैं, क्योंकि भूख लगने लगी। वैसे तो चटर वटर खाकर आ रहे हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो भूख लगने लग जाती है ना। चलो अभी चलते और कुछ खाते पीते हैं। साउथ इंडियन होटल है इसका नाम, हाँ नटराज होटल, नटराज। वैसे तो हम लोग पूरे रास्ते भर में ना कुछ खाते पीते हैं, बट फिर भी खाना खाने की बात आती है तो फिर रोटी सब्जी की ही याद आ जाती है। तो बस अभी हम लोग होटल नटराज में पहुंच गए। तो एक थाली ऑर्डर की थी, थाली में था सेव की सब्जी थी, छोले थे, दाल थी, रोटी थी, सैलेड वगैरह पापड़ वगैरह था, और एक मसाला डोसा ऑर्डर किया। वो सब कुछ खाया पिया और बस होटल के बाहर मुझे एक खूबसूरत सा व्यू दिख गया था। तो यहाँ पर ना एक ये आई थिंक गार्डन ही था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ, तो बस तो बस कैप्चर कर अभी लिया। खा पी कर हम लोग निकल गए हैं, अपने रिसोर्ट जा रहे हैं। वहाँ पर अभी हमारा टाइमिंग है चेक इन का, तो वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करते हैं, पूरा दिन क्या करने वाले हैं वो आप लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। चलिए अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। चलिए मैं लोकेशन ऑन कर लेती हूँ हमारे रिसोर्ट का, इसके बाद देखते हैं, वरना पता चला कि हम गलत जगह पहुंच गए हैं। बस 1 मिनट और बचा हुआ, ये देखो 1 मिनट और बचा हुआ है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बस स्ट्रेट ही स्ट्रेट जाना है। फाइनली हम लोग हमारे रिसोर्ट पहुंच चुके हैं, पांडव रिट्रीट। सो चलो अभी पतिदेव लगाने गए हैं गाड़ी, तो बस गाड़ी लगा कर आ जाएं, इसके बाद चेक इन की फॉर्मेलिटी से वो कंप्लीट कर लेते हैं और देखते हैं आगे। पांडव रिट्रीव के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से बना हुआ। फोटोग्राफ्स में देखा था तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, रियल में इतना अच्छा है कि नहीं है वो मैं आगे आप लोगों को देखकर बताती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से है ये बना हुआ, ये मेन डोर है, यहाँ से एंटर होंगे और ये देखो यहाँ पर काउंटर बना हुआ है। तो यहाँ पर पतिदेव कर रहे हैं चेक इन की फॉर्मेलिटी। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ना वो रिसेप्शन काउंटर है, तो यहीं से होटल का एंट्रेंस स्टार्ट हो जाता है। और वेलकम ड्रिंक में हम लोग को जल जीरा मिला था, वो पिया हम लोगों ने, फिर हम लोग बढ़ गए हमारे रूम साइड। तो ये देखो यहाँ से लॉबी है खूब बड़ी सी, और यहाँ पर ना हमारा जो रूम नंबर था 103, बेल बज गई। चलिए डोर भी ओपन कर लेते हैं और अभी आप लोगों को मैं क्विक सा रूम टूर भी करा देती हूँ। रूम के अंदर जैसे एंटर होंगे ना, वैसे यहाँ पर ये टी कॉफ़ी का काउंटर बना हुआ था और ये नीचे छोटा सा प्यारा सा फ्रिज भी रखा हुआ था, और ये बड़ा सा मिरर है जहाँ पर मैं अभी रेडी होने वाली हूँ, और ये है कोजी कोजी सा हमारा बेड, और ये बेड के जो सामने है टीवी, जिससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि हम घर में तो टीवी देखते नहीं, वहाँ क्या ही हम टीवी देख लेंगे। और ये इस रूम की सबसे खूबसूरत जगह दिखा देती हूँ, तो मैंने कर्टन्स ओपन कर दी और ये हमारे रूम की और होटल का बैक एरिया है जहाँ पर अमरूद की बगिया, आम की बगिया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी लगे थे। अगर हम आम के सीज़न में आते ना तो हमें यहाँ पर कैरी खाने को मिलती, आम खाने को मिलते, वैसे हम अभी अमरूद की सीज़न में आए तो हमें अमरूद भी खाने को मिले। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ग्रीन रिव्यू देखकर। आप लोग को कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। और अभी आ गई हूँ मैं
बाथ एरिया में, तो यहाँ पर ये देखो बड़ा सा मिरर है, टॉवल वगैरह रखे हुए हैं, फेस वॉश वगैरह, बॉडी वॉश वगैरह सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी मैं आ गई हूँ अपने सोफे पर बैठ के आराम से मज़े ले रही हूँ सोफे तो के। ये है हमारा ब्यूटीफुल सा रूम, ये। तो बस अभी हम लोग आए हैं, थोड़ी देर हो गया, मतलब हम लोगों को आए हुए आधा एक घंटा हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिए हुए हैं और मैंने आप लोगों को रूम टूर भी करा दिया हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो सारी चीज़ें अभी डिसाइड कर देंगे। वैसे तो करी हुई है बट क्या क्या पास में है, अभी हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस पेपर में है मेरे पास, तो अभी बस चूज़ कर लेते हैं और फिर जाते हैं कि हमारी होटल या रिसोर्ट जो भी है उसके पास से क्या क्या पास में है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं सारी चीज़ों को देखने के लिए, तो जाएंगे और देखेंगे। तो चलो अभी इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अभी आप लोगों को खूब सारे पचमढ़ी के ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। कैसा क्या है यहाँ का वेदर, नॉर्मल है वेदर, ज़्यादा वैसा कुछ गर्मी वाला भी नहीं, ज़्यादा ठंडी वाला भी नहीं, नॉर्मल वेदर। अभी हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए तब पता और चलेगा कि वेदर कैसा क्या है। तो चलो अभी इस वाले वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, चल।